Yes, sir. Sure, sir. No problem, sir. I'll be there. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. ऐसा करती हूँ, मैं ना कैब बुक कर लेती हूँ। क्या हुआ बेटा? इतनी देर रात हो गई, तू अभी तक जाग रही है? और इतनी बेचैन क्यों लग रही है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? मॉम, आप इतनी लेट? और ऋतु, जब तुम इतनी देर रात तक जाग रही हो तो मुझे नींद कैसे आ सकती है बेटा? और तेरे कमरे की लाइट ऑन देखकर तेरे पापा ने भेजा है मुझे कि उसकी प्यारी दुलारी इतनी देर रात तक क्यों जाग रही है भला? मम्मा, आप दोनों मेरी कितनी फिक्र करते हो। अच्छा अच्छा ठीक है, अब बता तो सही, इतनी बेचैन क्यों हो रही है आधी रात में? बैठिए, आप नाराज तो नहीं होगे ना? क्या हुआ बेटा? पहले मुझे प्रॉमिस कीजिए, आप नाराज तो नहीं होगे ना? कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? वो एक्चुअली थोड़ी देर पहले बॉस की कॉल आई थी मुझे, कल सुबह 10 बजे उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग रखी है और मुझे अभी के अभी निकलना पड़ेगा। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? माँ, आप टेंशन मत लीजिए, अगर मैं अभी निकली ना तो सुबह 9 बजे तक पहुँच जाऊंगी। पर बेटा, तू जाएगी कैसे? सवारी तो तुझे मिलेगी नहीं, छोटा सा तो कस्बा है ये, सुबह 9 बजे से पहले ना कोई सवारी ना गाड़ी मिलेगी। जानती है ना सड़कें कितनी खराब है यहाँ की? माँ, जमाना बहुत फास्ट हो गया है, इनफैक्ट हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी खुद घर पे आएगी। आपको कैब पता है ना, मैंने कैब बुक कर ली है और अभी कुछ देर में आती ही होगी। पर बेटा, रात के इस वक्त यूं जवान अकेली लड़की को टैक्सी में जाना कहाँ की समझदारी है भला? तू जानती है ना जमाना कितना खराब है। हाँ नहीं नहीं, तेरे पापा भी नहीं मानेंगे इस बात को। अरे क्या नहीं मानूंगा मैं? सुनीता, तुम तो बेटी के साथ गप्पे मारने लग गई। ये समय देखो, ये समय आराम से सोने का है, न के बातें करने का। देखो ना, रितुजा को उसके बॉस ने अभी मीटिंग अटेंड करने के लिए बुलाया है और वो अभी निकलना चाहते हैं मुंबई के लिए। क्या कहा? अभी? अभी तुम कैसे जा सकती हो बेटी? तुम्हें कल जाना है ना, 10 बजे तुम्हारी मीटिंग है। तुम कल चली जाना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा बस स्टैंड तक। पापा, मैं सुबह तक का वेट नहीं कर सकती, बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे अभी जाना होगा। पर तुम जाओगी कैसे? ओ जी, वो क्या कहते हैं, वो कैब टैक्सी, उसमें जाने को बोल रही है और आने वाली है घर में। लेकिन टैक्सी में इतनी रात गए अकेली लड़की का सफर करना बिल्कुल उचित नहीं है। ओ पापा, मुझे पता था आप अकेले सफर करने में ना टेंशन लोगे, इसीलिए मैंने शेयरिंग कैब बुक की है। शेयरिंग कैब मतलब? मतलब माँ, मेरे साथ साथ 3 पैसेंजर और जाएंगे और जिनमें से 2 लड़कियां भी हैं। ओके बेटा, जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन अपना ध्यान रखना और बीच बीच में कॉल करती रहना। हाँ पापा, मैं अपना ध्यान रखूंगी, पर मैं कॉल मुंबई जाके ही करूँ और आप लोग सो जाइएगा, फालतू में ना तबीयत बिगाड़ने की जरूरत नहीं है जाग जाग के। आप टेंशन मत लो माँ। वादा कर बेटा, तू अगली बार आएगी तो पूरे हफ्ते रुक के जाएगी रितु? श्योर मॉम। बेटा, कोई भी सामान भूल ना जाना। हाँ पापा। ध्यान से। लाओ बेटा, मुझे दो। कोई बात नहीं पापा। कोई बात नहीं बेटा। सुन, रास्ते में भूख लगे तो यही खाना खाना, कुछ भी आलतू फालतू किसी दूसरे का मत खाना। कैब नहीं आई पापा अभी तक, बहुत लेट हो रहा है पापा। हाँ, आ जाएगी बेटा, आ जाएगी।
तू जा तो रही है बेटा इतनी रात को, वो भी कैब से। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, बड़ी चिंता सी हो रही बेटा तेरी। मम्मा चिंता तो आप तब भी करते थे जब मैं नर्सरी में पढ़ने जाती थी, हर बात में चिंता करते थे कि मेरे साथ कुछ हो ना जाए, पर देख लो ना अभी तक सही सलामत हूँ। आप क्यों चिंता कर रहे हो मम्मा? अरे तुम तो यूं भावुक हो रही हो जैसे बेटी को ससुराल भेज रही हो। अरे सुनीता आजकल ऑफिस का काम ही ऐसा होता है। हाँ मम्मा, दिन रात का फर्क भुला देता है, और आज तो लोग देर रात तक शिफ्टों में काम करते हैं। बिल्कुल पापा, देखो मम्मा मेरी कैब भी आ गई। जी आप ही मिस्टर तुजा जो मुंबई जाने वाली हैं? हाँ जी भैया, ये बैग कैब में रख लो। ओके मम्मी, ओके पापा। ठीक है जल्दी कीजिए, हमारे कैब में 3 और पैसेंजर जाने वाले हैं। हाँ जी, बाय मम्मा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। इतनी रात गए, कौन हो सकता है? मिस रितुजा यहीं रहती है ना, उन्हें बुला दीजिए, उन्होंने मुंबई के लिए हमारी कैब बुक की थी।